गुड मॉर्निंग, टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी, अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण शर्मा 14 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए। ये आईएएस बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 में जो होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। लेकिन उससे पहले रोज की तरह हम टाइम टेबल चेक कर लेते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल है, मॉर्निंग 8:30 AM करेंट अफेयर्स जो हिंदी और इंग्लिश में होता है, आफ्टरनून दोपहर के 12 बजे ऑथर एंड बुक्स के बारे में बात करते हैं हम, इवनिंग 7 PM बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बात होती है, और इवनिंग 10 PM माने रात के 10 बजे हिस्ट्री में बात होती है। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 18 अप्रैल 2020 से इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये भी हिंदी और इंग्लिश में होगा, तो प्लीज आप अटेंड करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च द कोविड-19 होम डिलीवरी हेल्पलाइन। हाल ही में भारत के किस शहर में कोविड-19 होम डिलीवरी हेल्पलाइन शुरू की गई है? देखिए, वहां पर एक माइनर मिस्टेक है, इस्पात उद्योग हिंदी वालों में, तो प्लीज उसको करेक्शन कर लीजिएगा। इस्पात उद्योग वैसा कुछ भी नहीं है, वो गलती से टाइपिंग हो गया है। तो चार ऑप्शन है, कैलकटा, मुंबई, बैंगलोर एंड चेन्नई। क्विकली आंसर देने की कोशिश करिए, मॉर्निंग टाइम है। आई होप आपने आंसर सेलेक्ट किया होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु, बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया के मैप में बेंगलुरु कहाँ है साइड में मैंने दिखाया है, देखिए येलो कलर से जो दिखाया गया है वो बेंगलुरु है। आपको ये बताना है बेंगलुरु कौन से स्टेट की कैपिटल है, बेंगलुरु कौन से स्टेट की कैपिटल है। नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च द वेब पोर्टल युक्ति रिसेंटली। हाल ही में किसने वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ किया है? होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एमएचआरडी या नीति आयोग, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एमएचआरडी या नीति आयोग, इनमें से किसने? कमेंट बॉक्स पर आंसर देने की कोशिश करिएगा। वीडियो पॉज करके आप आंसर ट्राई करिए। देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है एमएचआरडी। एमएचआरडी ने युक्ति नामक एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री फॉर्मर गोलकीपर पीटर बोनेटी हैज डाइड रिसेंटली। हाल ही में किस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का निधन हुआ है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या ब्राजील। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड के पीटर बोनेटी का निधन हो गया है, ये एक गोलकीपर थे। हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द आईएमएफ एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप। आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया है? नरेंद्र मोदी को, अमित पटेल को, रघुराम राजन को या नेहा देसाई को। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है रघुराम राजन। रघुराम राजन को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह के रूप में शामिल किया गया है, एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया है। गाइस, आपको ये बताना है आईएमएफ कब स्टैब्लिश हुआ था, इसका फॉर्मेशन डेट, और ये क्यों स्टैब्लिश किया गया था इसके बारे में बताइएगा। महाबलेश्वर एमएस को, एमएस हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। महाबलेश्वर एमएस किस बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्नाटका बैंक, मुथूट बैंक, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका बैंक। ये महाबलेश्वरा एमएस है, ये नए एमडी एंड सीईओ कर्नाटका बैंक के सेलेक्ट किए गए हैं। गाइस, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, बिकॉज इसको बनाने में काफी मेहनत लगी है। और कमेंट करना ना भूले जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि नॉलेज दूसरों को भी मिल सके। और अगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैज लॉन्च हेल्पलाइन नंबर। किस राज्य के बागवानी विभाग ने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या त्रिपुरा। इसका आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, अभी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला के 2 UT बन गए थे, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया कि 9 UT की जगह 7 UT फिर से हो जाएंगे। तो वो कौन से दो जगह है जिसको मर्ज करके 9 की जगह 7 किया जा रहा है, वो कौन से 2 UTs है? ओके, तो आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। सॉरी, 7 नहीं, 8 किया जा रहा है, 2 UTs को मर्ज करके 1 UT बना दिया जाएगा। तो आपको ये बताना है वो 2 UT कौन से है जिसको मर्ज करने की प्लानिंग चल रही है।
विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मेन सेंटर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन द G20 एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग? G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है? जापान, अमेरिका, इंडिया या न्यूजीलैंड? इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है इंडिया। भारत को G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा खपत करने का प्रमुख देश घोषित किया गया है। टिम ब्रोक टेलर का निधन हो गया है। टिम ब्रोक टेलर हैज डाइड इन विच फील्ड डिड ही बिलोंग? वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? कॉमेडियन, म्यूजिशियन, एक्टर या पेंटर? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कॉमेडियन। टिम बुकर टेलर, इमेज देखिए, 1940 में इनका जन्म हुआ था और 2020 में इनका निधन हो गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिम बुकर टेलर का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 80 साल की उम्र कैलकुलेशन में आ रही है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फूड बैंक इनिशिएटिव फॉर द नीडी? फूड बैंक पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार के ने जरूरतमंदों के लिए शुरू की है? गुजरात, बिहार, न्यू दिल्ली या मणिपुर? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। इंडिया के मैप में मणिपुर कहाँ है? रेड जो मार्क आप देख रहे हैं राइट साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें एक मणिपुर है। गाइज आपको ये बताना है कि और बाकी कितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। विच न्यू चैनल हैज बिन लॉन्च बाई प्रसार भारती टू शोकेस ओल्ड टीवी प्रोग्राम? पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए प्रसार भारती द्वारा कौन सा नया चैनल लॉन्च किया गया है? डीडी मेट्रो, डीडी आधुनिक, डीडी न्यूज, डीडी रेट्रो? ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो इसको देख लेते हैं आंसर इसका क्या है। इसका करेक्ट आंसर है डीडी रेट्रो। डीडी रेट्रो इस तरह का देखने में नजर आएगा आपको, जो चैनल नंबर 3 पर नजर आता है फ्रिज डिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू एस्टैब्लिश सैनिटाइजर टनल? सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन भारत में कौन सा है? पटना, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर? इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। ये लेफ्ट साइड में आप सैनिटाइजर देख रहे हैं, सैनिटाइजर टनल, और राइट साइड में अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में, तो वो भी मैप के थ्रू से दिखाया गया है। अच्छा गाइज, आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये बताना है कि इसे अहमदाबाद को आखिर क्यों जाना जाता है, ये क्यों फेमस है? बाई वॉट परसेंट वॉज द यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेटेड टू हैव रिड्यूस द ग्लोबल इकोनॉमिक ड्यू टू COVID-19? कोरोना वायरस के कारण यूनाइटेड नेशन वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया गया है? 0.1%, 1.4%, 1.1%, 2.7%? गाइस इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 0.1%। 0.1% यूनाइटेड नेशन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो कमी है उसका होने का अनुमान लगाया कि इतनी कमी हो जाएगी। विच ई कॉमर्स फर्म वॉज लॉन्च एन एक्सक्लूसिव इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर COVID-19 इन एसोसिएशन विद ICICI लॉम्बर्ट एंड गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस? ICICI लॉम्बर्ट और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर COVID-19 को कवर करने के लिए किस ई फार्मा फर्म ने एक विशेष बीमा पॉलिसी शुरू की है? फ्लिपकार्ट, गोइबिबो, पेटीएम या मिंत्रा? इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ICICI और गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर COVID-19 को कवर करने के लिए एक ई फॉर्म ने बीमा कवर पॉलिसी शुरू की है। गाइस आज का क्विज है, विच इंडियन पर्सन इज फीचर इन द ट्विटर कैंपेन लॉन्च बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, अमिताभ बच्चन? डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए ट्विटर अभियान में किस भारतीय व्यक्ति को लिया गया है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, अमिताभ बच्चन? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बताइएगा, और सेशन अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे के पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि नोटिफिकेशन आपके पास कंटिन्यू आ सके।
पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक दी गई है, वहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टेडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।